एमआरआई नो नॉट, एक ही मिनट है। तो मैं अभी शेयर करूंगा स्क्रीन, यहाँ पर डॉली के साथ एक, रमाकांत के साथ एक, प्रीति दो, चार, रत्ना सिन्हा पांच, टाइगर छह, शिवानी पांडा नौ, गिरीश कुमार साहू दस, राजेश अग्रवाल ग्यारह। और आपके वो सरदार कहाँ हैं आज? कहाँ है सर? एक बच्चे को चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है। वो उसको लेके गए होंगे अपने साथ ही? ये सरनी के बाद ब्लीडिंग बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, बीच में आ जाएंगे। इसीलिए तो मैं लिंक सवेरे 6 बजे ही शेयर कर देता हूँ कि सब लोगों को आपको मिल गया टाइम पे। तो आपको प्रिंसिपल के पास तो नहीं दौड़ना पड़ता ना, ना उनको आपके पास भागना पड़ता कि अब क्या करें क्या ना करें। चलिए करें शुरू फिर। ये ज्यादा से ज्यादा आपका 20-25 मिनट का है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। एंड लेट अस स्टार्ट विद शेयरिंग। बताइए जरा, आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो तो जरा अंगूठा ऊपर को कर दीजिएगा। अभी तो आपकी स्क्रीन मेरे पास नहीं दिखाई दे रही। हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रही है, दैट्स गुड। देखिए इसमें तीन हमने करने हैं, 3-in-1। ये मेरा बाल से लगा क्या? अब अपने आप को म्यूट कर दीजिए आप सब लोग। जस्ट पुट म्यूट, म्यूट कर दीजिए आप सब लोग। अब डिस्टरबेंस होगी क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए इसमें देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टरबेंस। अदरवाइज आप जब इसको बाद में घर जाके ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल बी आल्सो गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड यू विल नॉट बी गेटिंग एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट आई से। मिश्रा जी म्यूट कर लीजिए, डॉली जी म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड, बड़े आज्ञाकारी बच्चे हो गए हैं आजकल। सो आई विल स्टार्ट। पहले आपसे हम थोड़ा सा पूछेंगे, ठीक है ना? ये मेरी स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है ना आपको, कॉर्नर्स? गुड। चलिए सबसे पहले मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप अनम्यूट करके, सिर्फ जिसका नाम लूंगा वही अनम्यूट करके, और मेरे को जवाब दे देगा। एक मूवी है जिसमें शाहरुख खान एक म्यूट और डेफ लड़की को बॉर्डर पार करवा के लेके जाता है। डॉली जी उस पिक्चर का नाम बता सकते हैं, मूवी का नाम बता सकते हैं? जी बताइए, जल्दी बताइए। सलमान खान की मूवी है सर। मैडम पिक्चर का नाम पूछा है, स्ट्रेट क्वेश्चन। बजरंगी भाई। दैट्स गुड, अनम्यूट कर लीजिए। तो रमाकांत जी तैयार हैं मेरे अगले क्वेश्चन के लिए? तैयार हैं कि नहीं है? यस सर, रेडी। चलिए वो एक डायलॉग मैं बोलता हूँ, उसको पूरा आप करेंगे और ये बताएंगे कि बोला कितने किसने था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सर अमिताभ बच्चन जी ने कहा। पूरा करो डायलॉग। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ये बड़े प्यार से मुस्कुरा रही हैं, इनका नाम क्या है? मैं आस्क अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूं आपको। नर्मदा है मेरे ख्याल से, प्रीति नर्मदा है क्या आपका नाम? हाँ जी प्रीति जी। तो प्रीति जी तैयार हैं? चलिए मेरे को बताइए कि एक पिक्चर ऐसी बनी थी, चलिए पिक्चर का छोड़े, कुछ दूसरा दूसरा कर देते हैं। एक कोई ऐसी पोएम याद है आपको जो सितारों के ऊपर बनी हुई है? बोलिए बोलिए बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, बस इतनी सारी नहीं, हाई पाई तो फिर यहाँ पे हाई हो जाएगा। चलिए डॉली जी आपसे एक पूछें एक्शन सॉन्ग। मैं वर्ड्स नहीं बोलूंगा, नर्सरी और प्री प्राइमरी के बच्चों को हम ये पोयम सिखाते हैं। यस सर। बताइए कौन सी है? मछली जल की रानी है। अरे वाह, सब लोगों को याद है, बहुत अच्छे से याद है। चलिए, एक पिक्चर में व्हाट आई कॉल सलमान खान और कटरीना कैफ थे दोनों, और वो टेररिस्ट के साथ लड़ते हैं। पुष्पक जी जरा बताएंगे उस पिक्चर का नाम? सर एक था टाइगर। हाँ एक था टाइगर, वेरी गुड वेरी गुड। वर्षा जी आप भी तैयार हैं? साल का कौन सा मौसम ऐसा होता है, कौन सा महीना ऐसा होता है जो आपके नाम से मेल खाता है? अनम्यूट को तो करो, पहले अनम्यूट करो, जल्दी से बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि साल का कौन सा महीना ऐसा होता है जो आपके नाम से मेल खाता है? बरसात। तो सर रेनी सीजन। बरसात का कौन सा महीना होता है? रेनी सीजन सर। नहीं मैं तो हिंदी में पूछ रहा हूँ भाई, मैं हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वर्षा ऋतु। नहीं ऋतु की बात ही नहीं, मैं तो महीना पूछ रहा हूँ। जुलाई। जुलाई नहीं भाई, सावन सर, सावन। अभी कैसे याद आ गया आपको? सावन का महीना है, सीधे सीधी क्वेश्चन, सीधी सीधी बात। चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयर मैंने कर रखी है। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, एम आई राइट और नॉट? यानी कि हमारे याद करने का तरीका कुछ अलग है, सबका तरीका अलग होता है। कायदे में तो मेरे को आपको एक छोटा सा टेस्ट देना था, मगर इसके बाद मैं ग्रुप में डालूंगा और ग्रुप में से आप वो टेस्ट करके आज ही के आज ही मेरे को उसका जवाब देंगे। 3 मिनट का एक क्वेश्चनेयर है दैट यू हैव टू डू, वो फर्स्ट स्लाइड में आएगा। तो देखिए अभी हमने देखा कि किसी को याद करना का तरीका क्या क्या आपके हैं। कोई देख के याद रखता है, कोई सीन याद रखता है, कोई डायलॉग याद रखता है, कोई महीना याद रखता है, कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट से याद रखता है, बट एवरीबॉडी हैज गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। मानते हैं इस बात को कि नहीं? टेल मी यस और नो। हाँ गुड। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम करते हैं, जो पहली स्लाइड है। देखिए हमने इसमें लिखे हैं 8 तरीके के लर्निंग स्टाइल्स है। मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट ओनली यहाँ पर एक एक दो दो वर्ड्स लिखे हैं, फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड। लिखे बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग। 22-25 मिनट का मैक्सिमम, नहीं तो आधे घंटे का होगा। हमने 2-4 मिनट पहले ही तैयार किया है, इसको शुरू किया, सो इट विल नॉट गेट मोर देन दैट। फर्स्ट होता है विजुअल, यानी कि हम देख के उसको याद रखते हैं। अब मैंने आपको एक सीन दिखाया नहीं है, लेकिन उसको माइंड में रिक्रिएट किया कि सलमान खान एक म्यूट और डेफ लड़की को बॉर्डर के पार लेके जाता है। कौन सी पिक्चर है? सो यू जस्ट रिमाइंडेड, आपने उसको रिमेम्बर कर लिया और वहीं पे वो जाके आप रुके जहां पर मैंने आपको बोला था, बिकॉज दैट सीन वॉज क्रिएटेड एंड यू रिमेम्बर दैट ड्यू टू दिस रीजन दैट यू सॉ दैट पिक्चर। तो विजुअल लर्नर जो है दे लर्न बाई यूज ऑफ पिक्चर्स, इमेजेस, फ्लैश कार्ड्स एंड ड्रॉइंग्स। और प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेक्शन में, नर्सरी सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? नर्सरी सेक्शन के यहाँ पर कौन कौन से टीचर्स हैं? गुड। तो वर्षा जी आप लोग करते हैं फ्लैश कार्ड यूज? करते हैं ना? यस और नो? गुड। अच्छा ये भी है, वेरी गुड। डॉली है आपका नाम? मेरे को नीचे से मेरी स्क्रीन कट रही है, सो दैट इज व्हाई आई कांट सी यू। यस।
तो यू आर यूजिंग पिक्चर्स, इमेजेस, फ्लैश कार्ड्स, ड्रॉइंग्स. कभी कभी बच्चों को भी आप बोलते हैं कि यस यू क्रिएट समथिंग न्यू ऑन बेसिस ऑफ योर ओन मेमोरी. एक प्लेन कागज उनको दे देते हैं, ड्रॉ व्हाट्स एवर, जो आपके दिमाग में आता है ड्रॉ करो, एंड दे ड्रॉ द बेस्ट थिंग दे रिमेम्बर. दूसरा होता है ओरल ऑडिशन, साउंड सुन के. मैं गाने के एक वर्ड बोलूंगा आप, या एक लाइन बोलूंगा, बाकी आप पैराग्राफ सुना देंगे. वाई? बिकॉज यू रिमेम्बर बाई ऑडिटरी सेंसेस. ऑडिशन से आपको याद रहता है. दैट इज यूज ऑफ साउंड, म्यूजिक. अभी मैंने ऐसे ऐसे एक चित्र किया था, ऐसे ऐसे एक्शन किया था, और वर्षा जी ने बता दिया मछली जल की रानी है. बिकॉज यू रिमेम्बर द विजुअल एज वेल एज ओरल. ये दोनों चीजें आपकी कंबाइन हो गई. अब तीसरा आता है लिंग्विस्टिक. जब हम दोनों की दोनों चीजें स्पीच भी लिखते हैं, बोलते भी हैं और लिखते भी हैं. हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं बड़ा बड़ा ए फॉर, और फिर उसके साथ विजुअल दिखाते हैं, एरोप्लेन, एप्पल, एरो, ये सारी चीजें दिखाते हैं. तो बच्चा उनको कोरिलेट कर लेता है. सर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरो, ए फॉर एरोप्लेन, एंड दैट वे द चाइल्ड लर्न्स. चौथा होता है काइनेस्थेटिक. जैसा आप मेरे को देख रहे हैं कि मेरे हाथ बहुत चलते हैं, गर्दन भी कभी कभी इस तरीके से एक्शन कर लेती है. दैट इज यूज ऑफ बॉडी, हैंड्स, सेंस ऑफ टच. सो दे रिटेन देयर परफॉर्मेंस. और कैसे? खुद करके या आपको करते हुए देख के. मिडिल सेक्शंस में हम डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं क्लास में ले जाके मटेरियल का, और उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. आर्टिफिशियल वोल्केनो कैसे बनाया जाता है. केमिस्ट्री का टीचर कौन है यहाँ पर, जरा अनम्यूट करके बताओ मेरे को. रमाकांत जी है क्या? वेरी गुड. अभी मेरे को नाम ध्यान हो रहे हैं धीरे धीरे. सो आप जब परफॉर्मेंस करते हैं, दैट मींस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट इन द क्लास. सो चाइल्ड रिमेम्बर्स. कैसे? पहला विजुअल, दूसरा ऑडियो ओरल, एंड देन फिजिकल, दैट इज काइनेस्थेटिक. When they do something or they see something doing it. पांचवा होता है logical, that is mathematical, और इसको हम बोलते हैं reasoning. जब भी आप कोई बात करेंगे तो बच्चा पूछेगा जी क्यों. Twinkle twinkle little star, ये twinkle क्यों करते हैं. अगर थोड़ा सा बच्चे को आप curiosity इसके अंदर increase करेंगे तो वो हर चीज में क्यों लगा देगा. आप भी किसी क्वेश्चन के आगे क्यों लगा के देखिए. आप अभी वेबिनार कर रहे हैं क्यों? कैन एनीबॉडी टेल मी, अनम्यूट करके कोई बता सकता है कि वेबिनार क्यों कर रहे हैं. देखिए दो तरह की चीजें होती हैं लाइफ में रमाकांत जी, दो तरह की चीजें होती हैं. फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी. आप एक चीज को आधा घंटे डेली करें. एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि आप जिम जाते हैं 30 मिनट के लिए डेली 6 दिन, ठीक. और तीसरा होता है वो दूसरा होता है, पहला हो गया कंसिस्टेंसी, और दूसरा क्या होता है कि यू परफॉर्म फॉर वन डे. एक दिन के लिए करें और 30-30 मिनट का 180 घंटा, यानी कि सातवें दिन आप जिम करें और 3 घंटे लगातार करें. दोनों में से फर्क किसका दिखाई देगा आपको? कंसिस्टेंसी का दिखाई देगा. यस एम आई राइट और नॉट? इसीलिए वेबिनार हम कर रहे हैं. चाहता तो मैं ये 2 दिन के अंदर वेबिनार खत्म कर सकता हूं, बट एवरी डे आई एम गिविंग यू स्मॉल डोजेस जिससे आपको रिटेन हुए. और हम वेबिनार कर क्यों रहे हैं पांडा जी, हम ये वेबिनार क्यों कर रहे हैं? सर ट्रेनिंग स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म और लर्निंग स्टाइल्स बच्चों के बारे में जानना, प्रोफेशनल अपस्किलिंग के लिए. क्योंकि आप नहीं चाहते
कि जिंदगी में आप 60 साल के हो जाएं और एज ए टीचर ही रिटायर हो जाएं, क्यों रमाकांत जी? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? यू वॉन्ट टू ग्रो, यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, यू वॉन्ट टू एक्सपेंड योर होराइजन्स। जिस तरीके से मैं वेबिनार करता हूं, अभी यहां पर अभी 14 ही आदमी होते हैं, शाम के 5:30 बजे जो मेरे वेबिनार होते हैं उसमें 60 होते हैं, 70 होते हैं, 80 होते हैं, एंड दे कीप ऑन लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, श्रीनगर से, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, हैदराबाद, फ्रॉम एवरीवेयर दे आर कमिंग, महाराष्ट्र से, पुणे से, नासिक से, दे आर ज्वाइनिंग मी बिकॉज आई हैव बीन कंडक्टिंग दीज ट्रेनिंग्स। अगर मैं इस ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी कम कर दूं, अभी आप लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है मेरा, मेरे पास एक बॉट है, बॉट मीन्स मोबाइल रोबोट, वो सवेरे उसका बटन मैं स्विच ऑन कर देता हूं तो वो 1 घंटे में 500 व्हाट्सएप मैसेज भेज देता है, एंड दे कीप ऑन रीडिंग। अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन करो, नहीं लगता तो मत करो। कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जो मेरे को वापस, पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं ना आजकल, दे आर लिटरेट, दे आर नॉट एजुकेटेड, दोनों में फर्क है, लिटरेट में और एजुकेटेड में। लिटरेट होते हैं जो पहले ऊपर से नीचे तक सब पढ़ेंगे, देन एजुकेटेड जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे। सो दे आर ऑल एजुकेटेड, क्योंकि अपनी समझ ज्यादा लगा देते हैं, पढ़ते नहीं है। उस बोर्ड के सबसे नीचे लिखा है, इफ यू डोंट लाइक टू सी द एडवर्टाइजमेंट इन फ्यूचर जस्ट राइट अनसब्सक्राइब। वो वहां तक पहुंचते ही नहीं है। मेरे को एक टीचर लिखती है, शी इज नियरली 23-24, यू आर अनोइंग मी। तो मेरे बॉट ने लिख दिया कि दिस इज द मार्केटिंग ऐप ऑफ मिस्टर अजय शर्मा, कॉन्टेक्ट हिम पर्सनली ऑन सच एंड सच नंबर, जिस नंबर से मैं अभी वेबिनार कर रहा हूं। तो ये पढ़े लिखे में, लिटरेट में और एजुकेटेड में फर्क होता है। सो फर्स्ट यू अप्लाई योर माइंड कि हम कर क्यों रहे हैं। दिस इज फॉर एक्सपेंडिंग योर होराइजन, दिस इज फॉर एक्सपेंडिंग योर नॉलेज। जब मैं आपको अभी देखिए, सबसे नीचे आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? सबसे नीचे इफ एनीबॉडी कैन से, अनम्यूट करके बताइए क्या दिखाई दे रहा है। नहीं, मेरे को नहीं समझ में आएगा पुष्पक जी, नहीं समझ में आएगा ऐसे। विनोरा एजुकेशनल सर्विसेज, उसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, www.howtolearn.com, ये साइट आप नोट कर लीजिए, ये वेबसाइट है। आप जब इसमें जाएंगे तो वहां पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, नो योर लर्निंग स्टाइल, आपका अपना लर्निंग स्टाइल कैसा है, क्या है, आप उसको ट्राई करिए। 3 मिनट का है, उसमें 10 ही क्वेश्चंस होते हैं। इट विल गिव यू एन आइडिया एज टू व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल यू हैव। और वो मेरे को जो दो मेजर आते हैं उसमें, वो मेरे को पर्सनली विंडो में लिख दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट इज सोशल। सोशल लर्निंग में हम जब कहते हैं कि दैट पर्सन इज वेरी सोशल, या बड़ा सोशलाइजिंग है, तो उसका पर्पस ये है कि ही वॉन्ट्स टू मूव इन टू द सोसाइटी, ही मूव इन टू द फ्रेंड्स, इन टू द ग्रुप्स। और इस बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है, दैट इज ग्रुप स्टडी। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा एग्जाम के टाइम में कुछ बच्चे अपने मम्मी को पापा को बोलते हैं, आई डोंट नो ये कैसे होगा, बट कि वो अपने मम्मी पापा को क्या बोलते हैं कि मैं मोहित के यहाँ जा रहा हूं पढ़ाई करने के लिए। देयर इज नथिंग बैड इन इट, द ओनली थिंग इज दैट कि उसका लर्निंग स्टाइल ऐसा है कि वो दो या दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो वो ग्रुप में पढ़ लेंगे। अब ग्रुप में क्या होता है, बातें भी होती हैं, पढ़ाई की भी होती हैं, कुछ और भी बातें होती हैं, सो दैट वे दे लर्न।
दैट इज सोशल इंटरपर्सनल, दो आदमियों के तीन आदमियों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है देन ओनली दे लर्न. मैंने आपको अभी क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं करवाया है. आई विल रिमाइंड यू वन वेबिनार इन टू द अनदर वन. इसके बाद हम क्लासरूम मैनेजमेंट आप लोग चाहेंगे तो करेंगे. सो ग्रुप लर्निंग जहां पर होती है वहां पर ये सोशल या इंटरपर्सनल लर्निंग होती है. दे प्रेफर टू लर्न इन ग्रुप्स. सातवां स्टाइल कैसा होता है कि आप देखते होंगे बच्चा आता है स्कूल से और कपड़े अपड़े बदले, थोड़ा सा उसने बाइट ली, जो भी कुछ खाना पीना है थोड़ा बहुत, एंड देन व्हाट ही डज इज कि ही टेक्स हिज बैट बॉल और भाग जाता है. फिर 4 बजे आएगा, 5 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, कुछ खाएगा, टीवी के सामने बैठ जाएगा. मम्मी पापा आते हैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, आपको बोलते हैं कि जी ये मोहित तो पढ़ता लिखता ही नहीं है, हमने कभी इसे पढ़ते ही नहीं देखा, एंड स्टिल ही सिक्योर्स 95%. ये बच्चा क्या करता है, जब घर वाले सब सो जाते हैं तो लाइट ऐसे चादर ओढ़ के और लाइट जला के वो 15 मिनट आधा घंटा वो किताब के पेज पलटता है, देखता है और एकदम से उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है, पढ़ लेता है, याद हो जाता है. ही प्रेफर्स टू वर्क अलोन, सेल्फ स्टडी. कभी भी कहीं कोई डिस्टरबेंस होगी नहीं पढ़ पाएगा. एंड द लास्ट वन इज नेचुरलिस्ट. हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं, हर चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड देन दे ट्राई टू एसोसिएट. अब एक बच्चा मेरे से, जब मैं टीचर था तो एक बच्चा पूछता है कि सर सन राइजेज इन द ईस्ट क्यों बोलते हैं, व्हेन वी से दैट इन द सोलर सिस्टम सन रिमेन्स ऑन इट्स पोजिशन. हम लोग उसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन और रोटेशन करते हैं जिससे दिन और रात होते हैं और जिससे सीजन्स बदलते हैं. सो देन व्हाई डू वी से सन राइजेज इन द ईस्ट, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, जवाब ही नहीं होता हम लोगों के पास. सो दे आर नेचुरलिस्ट, दे एसोसिएट एवरीथिंग विद द नेचर और देयर एक्सपीरियंस. ठीक, चलिए ये समझ में आ गया हो तो मेरे को बताइए, मैं आगे चलता हूं. नहीं आया तो आप क्वेश्चन बताइए. ठीक, दैट्स गुड. अब चलिए जरा एक एग्जाम्पल लें. आप शाम को कोचिंग के बाद घर, कोचिंग में जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, आराम से टीवी देख रहे होते हैं या चाय पी रहे होते हैं, पापा आपके घर में आते हैं और उनके हाथ में समोसे और चटनी होती है, तो आपके मन में, दिमाग में क्या इंप्रेशन आता है पापा के मूड के बारे में? कोई भी अनम्यूट करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा. टाइगर आपने बड़ी देर से नहीं बोली है तो आप ही जरा बता दो मेरे को. हाँ जी, लगता है सर. नहीं, आपको कैसा लगता है कि पापा का मूड कैसा है? अच्छा होगा, हैप्पी. अच्छा होगा तभी वो समोसे जलेबी लेके आ गए. ठीक. दूसरे दिन आप जाते हैं तो पापा बड़े ऐसे आते हैं, बैग एक तरफ रखा, जूते एक तरफ रख दिए, हाथ मुंह धोए, सोफे पे बैठ गए और अखबार पकड़ लिया. क्या लगता है आपको कि आज पापा का मूड ऑफ है, आज पापा का मूड ठीक नहीं है? Am I right or not? बताइए yes or no. ऐसे ही होता है. तो यही चीज हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. अगली स्लाइड में मैं आज इसको पूरा नहीं करूंगा, इसके एग्जाम्पल्स कल कर देंगे. थोड़े से एग्जाम्पल्स करता हूं. लेट अस सी लास्ट वन. देखिए, व्हेन यू सी अ मूवी, सीरियल और रीड ए नॉवल, यू रिमेंबर व्हाट द बेस्ट सीन या पीपल लुक लाइक. तो ये आप विजुअल हैं, यू आर ए विजुअल लर्नर. वो एक गाना सुना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन था उसमें? सर माधुरी दीक्षित. अभी कैसे याद आ गया? बिकॉज दिस इज विजुअल. आपने देखा, बेस्ट सीन देखा, बेस्ट पीपल देखे, एंड देन यू रिमेम्बर इट. ऑडियो जो है, अभी मैं अगर गाना नहीं गाता, एंड इफ आई डू ओनली एक्शन, रिमेम्बर वॉट वॉज सैड एंड हाउ द म्यूजिक साउंडेड.
जब आप एक सीरियल देख रहे होते हैं, एक मूवी देख रहे होते हैं, और उसमें दरवाजा बंद करने की आवाज आती है, क्या सीन विजुअलाइज कर रहे होते हैं? औरत। औरत। और क्या सीन हो सकता है उसमें? हॉरर। हॉरर, ठीक, दैट इज गुड, वेरी गुड। सो यू रिमेम्बर हाउ द म्यूजिक साउंडेड एंड रिमेम्बर इट। किसी भी पिक्चर में, किसी भी सीरियल में सियार बोल रहे होते हैं पीछे, तो अगेन इट रिप्रेजेंट्स हॉरर। राइट और नॉट? मैं एक एक्टर का एक आपको दिखाता हूं। आप वो गेटी जानते हैं? गेटी, गेटी किसको कहते हैं? मैं एक घूंट पानी पी लूं, अदरवाइज माय होल बॉडी विल स्टार्ट। जल्दी बताइए मेरे को, कोई भी अनम्यूट करके मेरे को बताइए। गेटी किसको बोलते हैं? नहीं पता। प्रिजनर। नहीं, गेटी किसको बोलते हैं? गेटी बोलते हैं गुलेल को। गुलेल देखी है आपने? ऐसे होती है ना। यस सर। पक। तो उसको हम गुलेल कहते हैं। अब मैं एक सीन क्रिएट करता हूं, एक हीरो गुलेल से। बताइए कौन से पिक्चर का था, कौन एक्टर था, कौन एक्ट्रेस? हाय हाय, शिवानी पांडा मेरे ख्याल से सारे दिन थिएटर में बैठ जाए, मुझे तो ऐसे ही लगता है। हम आपके हैं कौन? सर कौन बनेगा करोड़पति में भी ऐसे सवाल आते, ऐसे आते हैं? तो मैं अमिताभ बच्चन की जगह ले सकता हूँ इसका मतलब। हाँ गुड। तो देखिए व्हाट हैपेंड, यू रिमेम्बर दैट through your physical means auditory kinesthetic से। मैंने सिर्फ action किया था and you remember it। चलिए next slide भी देख लेते हैं थोड़ी सी। When you are recalling something, तो आप देखते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके 10th class में कितने marks आए थे, या आपका best friend कौन है, या आपको सबसे अच्छी dish कौन सी लगती है, तो वो ऐसे करने लगता है। What is this action shows? That he tries to remember. That means no facial expressions change हो जाती हैं. Confusion नहीं. They try to interpret. When you try to interpret someone's rule, कि कोई ऐसे कर रहा होता है, तो या तो मच्छर ने काटा है, और otherwise he is trying to remember something. जो चीज आपको पसंद है वो तो आप तुरंत बोल दोगे, जो चीज याद नहीं है आपको, पसंद नहीं है, आप थोड़ा सा ऐसे उसमें करेंगे, आंख थोड़ी सी बंद हो जाएगी, एज इफ यू डोंट वॉन्ट टू सी, बट योर मेंटल आईज आर गोइंग समवेयर इन द पास्ट टू रिमेम्बर। राइट, नेक्स्ट इज ऑडियो। शिवानी पांडा, हम आपके हैं कौन? अब ये टोन कैसी लगी आपको? प्यार की तो टोन नहीं है ये ऐसा लगा ना जैसे बंदा गुस्से में है, ठीक। एंड द थर्ड वन इज, हम आपके हैं कौन, काहे हमें परेशान करते हैं? So then we remember by body movement, facial expressions. This is physical, or as I told you earlier, kinesthetic. Next one, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा मैं आपको. Learning style is कि when you are inactive and idle, तो आप क्या करेंगे? जब आप बिल्कुल खाली बैठे हैं, तो जो visual type के learners होते हैं वो ऐसे गर्दन कर लेंगे, ऐसे गर्दन कर लेंगे, पैर उनके हिलते रहेंगे, या इधर देखेंगे या उधर देखेंगे। आप पढ़ा रही होती हैं
और कोई बच्चा अगर ऐसे इधर उधर देख रहा होता है, इसका मतलब वो अटेंटिव क्लास में नहीं है. बट डोंट टेल, ही इज अ विजुअल लर्नर. ही इज अ विजुअल लर्नर. वो अपने आप को दिखाई नहीं देता. अदरवाइज क्या करते हैं कुछ बच्चे कि ड्राइंग करने लगते हैं. आप कह रहे हैं कि ये नोट्स बना रहे हैं, बट वो नोट्स नहीं बना रहे होते हैं, ड्राइंग कर रहे होते हैं. सो डूडलिंग, दैट इज कॉल्ड डूडलिंग. गॉट माई पॉइंट? मैं नए नए वर्ड्स भी आपको सिखाता जा रहा हूं, ध्यान रहेगा ये आपको. डूडल. देन ऑडिटरी जो लर्नर्स होते हैं, ऑडियो लर्नर्स या ऑडिटरी लर्नर्स या ऑडिशन लर्नर्स, दे टॉक टू देमसेल्फ. पढ़ाई करते समय, एग्जाम के टाइम में आप देखिए कि व्हेन यू हैव गिवन पेपर एंड द चाइल्ड इज राइटिंग समथिंग, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग समथिंग, ही कीप्स ऑन मर्मरिंग. आप ध्यान से सुनोगे तो कमरे में आपको सुनाई दे रहा है कि कुछ गुनगुन 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 की आवाज आ रही है. आप सोचो कि ये बच्चा नकर कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं. उसकी आदत ही ऐसी है बिकॉज ही इज ए ऑडिटरी लर्नर. वो बिना बोले कुछ गुनगुन करे करे वो लिख नहीं सकता है. अगर आप उनके मुंह में टेप लगा दो, कपड़ा बांध दो, फेल हो जाएगा. ट्राई डूइंग दिस, अपनी क्लास में जाके ये एक्सपेरिमेंटेशन करना. और ये बहुत रिसर्च करने के बाद वेबिनार्स की पावर पॉइंट्स बनते हैं. टू मच ऑफ रिसर्च. मैं अब इसको यहां पर स्लाइड शेयरिंग कर रहा हूं बंद, ठीक. और अभी आप देखेंगे, मैं कर दूं स्क्रीन शेयर ऑफ. चलिए एक चीज नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए. हाउ डू वी लर्न? अगर आप क्लास में जाके सिर्फ रीडिंग करेंगे तो ओनली 10% विल बी रिटेन्ड. जो सुनने वाला है, बच्चा है, वो उसको 10% याद रहेगा. अगर आप शब्द सुनेंगे, यानी कि बोलना भी सुनेंगे, तो 20%. अगर उसके साथ आपको पिक्चर भी दिखाई जाए तो 30%. अगर वो मूवी पिक्चर करती हो, पिक्चर जो है वो मूविंग हो, तो 40%. अगर उसके साथ डेमोंस्ट्रेशन भी हो तो 50%. एक्टिविटी अगर आप टीच करेंगे, डेमोंस्ट्रेट करेंगे, तो देन दे विल रिटेन 70%. मॉल में जाते हैं एंड इफ यू ट्राई टू प्रैक्टिकली डू थिंग, बच्चे का गाड़ी चलाते हैं मशीन पे बैठ के, दे टर्न, दे नो लेफ्ट टर्न राइट टर्न कैसे होता है. और जब वो पार्टिसिपेट उस एक्टिविटी में करते हैं तो 100%. ये मैं रिपीट करूंगा, आई एम जस्ट पुटिंग ऑफ माई स्क्रीन एंड देन लेट मी नो इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस. टुमारो आफ्टरनून सेम टाइम वी विल कम बैक. सेम टाइम वी विल कम बैक टुमारो आफ्टरनून. अभी कोई क्वेश्चन होगा भी तो आप मेरे को पर्सनली लिख दीजिएगा. दूसरे एक्सरसाइज दिए howtolearn.com पे जाए और अपना लर्निंग स्टाइल मेरे को आज शाम 6 बजे से पहले पहले दे दें. अभी जाने से पहले अगर 3 मिनट लगा देंगे तो इट विल बी डन. ओके देन, सी यू ऑल, बाय एंड गुड लक. टुमारो आफ्टरनून 4 o'clock. Oh, 2 o'clock.